वक्त की बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी की आलीशान हवेली को लेकर। जी हाँ, पहले जहां माता पिता पहले ही इतने दुखी थे सिद्धू के नए गाने के रिलीज को लेकर, सलीम मर्चेंट जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं और सिद्धू मूसेवाले और अफसाना खान के संग उन्होंने एक गाना बनाया था जिसे रिलीज को लेकर आपको बता दें बहुत ज्यादा इस वक्त तबाही मची पड़ी है सोशल मीडिया पर। माता पिता और सलीम मर्चेंट के बीच जंग छिड़ी हुई है। तो वहीं एक और दुखद खबर जो है सामने आई है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाले जी के द्वारा इतने प्यार से बनाया हुआ आलीशान कोठी पर कब्जे करने की जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है, ऐसी सूत्रों के मुताबिक खबर जो है सामने आ रही है। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको पूरी डिटेल हम बताने जा रहे हैं क्या कुछ है खबर, जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा कि आखिरकार हत्यारे क्यों नहीं चैन से जीने दे रहे हैं सिद्धू के माता पिता को। जहां हाल ही में आपको बता दें सलीम मर्चेंट ने और अफसाना खान ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया, अफसाना खान वही है जो सिद्धू की राखी बहन है और अपने भाई से बहुत ही प्यार करती है। ऐसे में आपको बता दें सलीम मर्चेंट जिन्होंने इस गाने को प्रोड्यूस किया था और आवाज दी थी सिद्धू मूसेवाला जी ने, उन्होंने सोचा कि पैसे की हवस में जो है सिद्धू के गाने को रिलीज कर दिया जाए। आपको बता दें जिस वक्त 29 मई को सिद्धू मूसेवाला जी की दर्दनाक मौत हुई थी, उस वक्त ही सलीम मर्चेंट जो कि सिद्धू मूसेवाला जी का गाना जानती वार गाना जो है रिलीज करने को कहा गया था उस वक्त, वहीं आपको बता दें माता पिता ने सख्त हिदायत दी थी, अगर हमारे बिना परमिशन के मेरे सिद्धू का ये जानदी वार गाना अगर रिलीज हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस गाने को जो है कमाई के लिए सलीम मर्चेंट जो है रिलीज करना चाहता है। और आपको बता दें सिद्धू के माता पिता ने सख्त हिदायत दी थी कि बिल्कुल भी ये गाना रिलीज नहीं होगा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। यहां तक कि सलीम मर्चेंट ने लालच भी दिया था सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर जी को कि इसका एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया पर ये शेयर करते हुए पोस्ट की, इस गाने का एक हिस्सा जो है सिद्धू के पेरेंट्स को जाएगा। आपको बता दें जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता बिल्कुल भी लालची नहीं है, जितना भी सिद्धू मूसेवाला जी पैसा छोड़ के गए हैं, करोड़ों अरबों की दौलत जो अपनी मेहनत से कमाया था उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करके, उनका बचपन भी जो है कई सारी चीजों से वो वंचित रहे और गरीबी में उन्होंने काफी गुजारा था। आपको बता दें उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो है उन्होंने पैसा कमाया, उनकी मेहनत के पैसों को माता पिता इस वक्त जो है गरीबों में बांट रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसा कि सिद्धू मूसेवाले जी गरीबों की मसीहा तो कहलाते ही थे, गरीबों के लिए बड़ा कुछ करते थे और उन्होंने बहुत बड़ा सपना भी देखा था, कैंसर पीड़ित जो है हॉस्पिटल बनाने का सोचा था जो कि सरकार भी नहीं सोचती है दोस्तों, और उन्होंने सोचा था कि गरीब लोगों का भला हो, वो बिना पैसे का इलाज करवा सके। आज जो करोड़ों अरबों की दौलत उन्होंने कमाई थी, आपको बता दें सिद्धू के पेरेंट्स अच्छे कामों में लगा रहे हैं। जी हाँ, गरीबों के लिए वो कैंसर पीड़ित अस्पताल बनवाएंगे, वो भी होगा सिद्धू के नाम पर और वहां पे गरीब लोगों का फ्री में इलाज होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हॉस्पिटल जो है आपको बता दें उसी खेत में बनाया जाएगा जहां सिद्धू की समाधि है और उसी समाधि पर म्यूजियम तो बनेगा ही, जहां पर उनका पुतला रखवाया गया वहीं पर साथ ही उसी खेत के अंदर जो है बताया जा रहा है कैंसर अस्पताल बनेगा गरीब लोगों के लिए, जो गरीब और असहाय लोग वहां पर इलाज कर सके। अब ऐसे में आपको बता दें सिद्धू के पेरेंट्स कैसे लालची हो सकते हैं, वो अपने बेटे के गानों का एक हिस्सा कैसे ले सकते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया हम नहीं लेंगे, कोई गाना रिलीज नहीं होगा और हमारे बिना परमिशन के व्यापारीकरण करने को लेकर अगर इस गाने को रिलीज किया सलीम मर्चेंट ने जानदीवारी गाने को तो मुझसे बुरा कोई होगा, मैं केस फाइल करूंगी इसके खिलाफ। हालांकि आपको बता दे सिद्धू की बहन अफसाना खान हर लाइव शो में जाती हैं और सिद्धू का गाना गाती हैं, 295 गाना गाती हैं। फैंस जो हैं इस वक्त गुस्से में है, वो कह रहे हैं बहन है या पैसे कमाना चाहती है वो, अगर बहन होती तो सिद्धू के नाम का इस्तेमाल नहीं करती, ऐसा फैंस का कहना। वो पूरे सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल कर रहे हैं इस वक्त, अफसाना खान को भी कह रहे हैं कि जिस भी लाइव शो में जाती है पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बुलाने के लिए सिद्धू के नाम का इस्तेमाल कर रही है और अगर उसमें दम है तो अपने बलबूते पर गाना गाए, अपने बलबूते पर जो है लाइव शो करे। आपको बता दें सच में अफसाना खान जो है सिद्धू के पेरेंट्स के लिए काफी चिंतित हैं, जस्टिस के लिए हर दिन वो जो है पोस्ट करती हैं, एक बहन का फर्ज निभा रही है। उन्होंने पोस्ट भी किया था, कैप्शन भी मेंशन किया था कि मेरा बड़ा भाई चला गया है, मैं उसके माता और पिता के साथ खड़ी हूं बेटा बनकर, हर सुख दुख में जो है साथ निभाऊंगी। लेकिन इस वक्त जो है ट्रोल किया जा रहा है सिद्धू की बहन अफसाना को, और सबसे ज्यादा ट्रोल तो तब जब जानदीवारी गाना जो है रिलीज करने को लेकर सलीम मर्चेंट ने यह ऐलान किया है कि गाना जो है रिलीज होगा 2 सितंबर को। अब इसे लेकर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल है,
वेल आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा क्या ये गाना रिलीज होना चाहिए बिना सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स के इजाजत के बिना। जरूर इस बात को लेकर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। लेकिन आपको ये भी बता दे, इस वक्त ये बुरी खबर भी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाले जी की आलीशान कोठी पर कब्जे करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आलीशान कोठी वही है जो कनाडा के अंदर है, कई करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और आपको बता दें, ये कोठी जो है बड़े ही प्यार से बनवाया था सिद्धू मूसेवाले जी ने शादी के बाद, वहां रहने के लिए अपने माता पिता के साथ जो है शिफ्ट होना चाहते थे दरअसल वहां पर वो। और ये आलीशान कोठी जो है दोस्तों, आपको बता दें हवेली की तरह ही बिल्कुल दिखता है। और इस कोठी में 5 कमरे बताए जा रहे हैं, बेडरूम 5 कमरा है, और बिल्कुल हवेली की तरह जिस प्रकार से मानसा गांव में जो उन्होंने अपना हवेली बनाया है जिसे फैंस दर्शन करने के लिए आते हैं, उसी प्रकार का कनाडा के अंदर में भी बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाले जी का आलीशान कोठी है जिसे कब्जे करने की इस वक्त गोल्डी बरार के द्वारा सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि कोशिश की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त एक से बढ़कर एक दुखों का पहाड़ है वो सिद्धू के पेरेंट्स पर टूट पड़ा है। एक तरफ जहां वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोल्डी बरार की दिन रात धमकियों से वो परेशान तो है ही, वहीं उनके बेटे को जस्टिस भी नहीं मिल रहा है और बार बार उनके बनाए हुए गानों को जो है आपको बता दें लीक भी किया जा रहा है, जिससे वो बेहद परेशान है। एक परेशानियां खत्म हो नहीं रही तो दूसरी उनके सामने जो है आ खड़ी हो रही है। आपको बता दें इस उम्र में भी वो बड़े ही दिलेरी के साथ जो है सभी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि कल ही देख लीजिए, सिद्धू के पेरेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला, और इस कैंडल मार्च में आपको बता दें पूरी भारत की जनता और कनाडा में बैठे फैंस, स्टूडेंट्स, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। और इतना ही नहीं, आपको बता दें ये भी बताया जा रहा है कि सिद्धू के पेरेंट्स की इस वक्त तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। इस खराब हालत में भी अपने बेटे की जस्टिस के लिए जो है वो गुहार लगा रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में फैंस जो हैं सिद्धू के पेरेंट्स का साथ दे रहे हैं। वेल दोस्तों, आप ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सिद्धू मूसेवाला जी का जान दीवार ये गाना जो है क्या सलीम मर्चेंट के द्वारा रिलीज होना चाहिए या नहीं। जरूर अपने विचार जो है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।